हेलो फोर्थ ईयर्स, गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अबॉर्शन हमने पूरा पढ़ लिया है, एवरीथिंग अबाउट द अबॉर्शन. अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अबॉर्शन में आता है एग्ज़ाम में, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज़ आपको पूछा जाएगा कि दीज आर द सिम्टम्स. मान लो किसी थ्रेटन्ड अबॉर्शन या फिर इनएविटेबल अबॉर्शन या फिर मिसरेबॉर्ट, किसी भी अबॉर्शन का साइन सिम्टम्स अटैच करके बोलेंगे दिस लेडी, दिस मेघा इज़ अ लेडी हु इज़ कमिंग विद द एब्डोमिनल क्रैम्प एंड हैविंग द स्पॉट टू द क्लिनिक एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ दैट लेडी एंड हाउ यू विल डायग्नोज दैट लेडी एंड व्हाट विल बी द एज अ नर्स व्हाट यू विल डू टू ट्रीट और टू प्रिवेंट दैट डायग्नोसिस. ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि एक वुमन आई है इसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स लेके, अब वो प्रॉब्लम को आप एज ए नर्स आप कैसे ट्रीट करोगे. तो अब आपका आंसर क्या होगा, वही आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. आप लिख दोगे कि सर और मैम दिस इज़ द थ्रेटन अबॉर्शन, बिकॉज थ्रेटन अबॉर्शन में ये होता है एंड विल डायग्नोज बाई द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट और वट एवर और बायोप्सी और वट एवर और यू विल डू दी सोनोग्राफी, बाई हेल्प ऑफ सोनोग्राफी यू विल डू दी यू विल कन्फर्म द डायग्नोसिस. ये आप बोल दोगे, लिख लोगे, ओके. बट एज ए नर्स वट यू विल डू इज कॉल्ड नर्सिंग प्रोसेस, ओके. तो दिस इज द मैं बता रही हूँ आप ये नर्सिंग प्रोसेस. अगर पूछा जाता है कि बींग ए नर्स वट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बींग ए नर्स वट यू विल डू, मतलब नर्सेस से रिलेटेड कुछ काम आता है तो. और ये केवल मैं अबॉर्शन में ही नहीं बोल रही हूँ, केवल अबॉर्शन में ही नहीं होता है, ये जितने भी मैं अभी हाई रिस्क केसेस बता रही हूँ ना, सब में आप लोग को पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स. तो दिस इज़ द रोल ऑफ नर्स, दिस इज़ द रोल, ओके. तो आपको ये समझना है, जानना है कि नर्सेस का रोल पूछ रहे हैं तो यू नीड टू राइट द नर्सिंग प्रोसेस कि एज अ नर्स व्हाट यू विल मैनेज, व्हाट यू विल असेस एंड हाउ यू विल मैनेज दैट प्रॉब्लम, ओके. सी विल सी वन बाई वन. फर्स्ट एज ए इन द नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट यू विल असेस बिकॉज यू आर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स. आप लोगों को आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो. सी मैं इस पर इतना फोकस आज टुडे आई विल सी द दिस नर्सिंग प्रोसेस और रेस्ट ऑफ टाइम में मैं आप लोग को सेमिनार का डिस्कशन करूँगी, ओके. तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द नर्सिंग प्रोसेस. फर्स्ट असेसमेंट यू विल बी, जैसे कोई वुमेन आती है तो उसका सबसे फर्स्ट कंप्लेन यही रहता है कि वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले आप यही असेस करोगे कि क्या वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि हम वी द नर्सेस आर, जब तक हमको एविडेंस नहीं दिखेगा वी नेवर रिलाई टू एनी वन, ओके. और जैसे हम मेडिकल हिस्ट्री भी लेते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री के साथ पे हम एविडेंसेस मांगते हैं, रिपोर्ट्स मांगते हैं, तभी वी बिलीव ऑन दैट, राइट. तो अगर वजाइनल ब्लीडिंग से स्पॉट्स है तो यू विल चेक दी स्पॉट्स, यू विल चेक दी क्लॉट्स, ओके. लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेंसिल. You will check the clots, low abdominal cramping, this is also the signs symptoms of that abortion. So low abdominal cramp ho raha hai, so you will assess that. Passing of tissue through the vagina, tissue cells pass out ho raha hai through the vagina. Shock decrease BP, mother is in complete in shock, which decrease the BP, mother hypotension mein jayegi aur pulsate increase ho jayega, kyunki usko ab क्या होगा मेरे साथ, सब उसको डर रहेगा, ठीक है ना. वुमेन में वर्बलाइज फियर, उसको डर लग रहा है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ गिल्ट, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब कहीं मेरा बेबी जाने वाला तो नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ गिल्ट वो फील करती है, ठीक है. दिस ऑल वॉज दी असेसमेंट जो आप असेस करोगे एज अ नर्स मदर को लिटा के और वट एवर. तो दिस इज कॉल्ड दी असेसमेंट. नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस. सी फर्स्ट विल सी द रिस्क फॉर फीटल इंजुरी. There is a first risk to have the fetal injury. कैसे fetal injury? अब जैसे मान लो baby is in the second trimester, okay? And mother came for the abdominal cramps and vaginal bleeding. अब there is a first injury to the baby. ठीक है, सबसे पहला इंजरी फीटस को होने के चांसेस रहते हैं. तो रिस्क फॉर फीटल इंजरी, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन टू बोथ इन द यूट्रस एंड फॉर द बेबी आल्सो. इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियर नहीं रहेगा. एक्चुअल रिस्क फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेट करने के रिस्क रहते हैं. एंग्जाइटी, डेफिनेटली एंग्जाइटी विल बी देयर. एंटीसिपेटरी ग्रीवेंसेस फील होंगे.
अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस, फैमिली के जितने भी काम धंधे सब सफ़र हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल रिस्क फॉर अल्टरिंग दी अल्टर्ड दी पेरेंटिंग, आप क्या क्या सोच के बैठे थे कि वी ये करेंगे वो करेंगे, वो सब अल्टर्ड हो, सब बिगड़ गया, ठीक है। पेरेंटिंग जो वो प्लान करके रखे थे, हम अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे वो रखेंगे ऐसे करेंगे वैसे, तो दिस ऑल अल्टर्ड, ठीक है। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, अब द वुमन का बिहेवियर कैसे हो जाएगा, एवरी टाइम वो मुझे ये हो रहा है मुझे वो हो रहा है, मतलब अटेंशन सीक करने की कोशिश करेगी, दैट वी कॉल द हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, ओके। सो दीज आर दी डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ दी एबॉर्शन। एंड नेक्स्ट इज प्लानिंग, अब नाउ व्हाट यू विल प्लान एज अ नर्स, सी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट प्लान, अब यू विल प्रोवाइड दी एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ट्रीटमेंट, कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो अगर वुमेन को ब्लीडिंग हो रहा है तो हाउ यू विल प्लान टू रिड्यूस द ब्लीडिंग, ये सब एवरी थिंग कम इन दी प्लानिंग। प्रोवाइड सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस रिगार्डिंग नर्सिंग केयर, आप मदर को सपोर्ट करो, रीअश्योर करो कि डोंट वरी, वी विल गिव ए बेस्ट केयर टू यू, आप सब ठीक हो जाएगा, इस टाइप का आपका एश्योरेंस देना है। प्रमोट मैटरनल फिजिकल वेलबींग, मदर को प्रमोट करना है कि आप अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखो, फर्स्ट बेबी है कोई बात नहीं और भी यहाँ चांसेस मिले, इस टाइप के यू विल गिव दी एश्योरेंस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर काउंसलिंग एंड सपोर्ट, उनको कोशिश करो कि काउंसलिंग और सपोर्ट मिल सके, एज ए नर्स यू विल बी बेटर काउंसलर फॉर दैट लेडी, ओके, और वो आपका बात भी सुनेगी। प्रोवाइड टीचिंग रिलेटेड टू सेल्फ केयर, अब उसको सेल्फ केयर कैसे करना है उससे रिलेटेड आपको उसको टीच करना है। अब जैसे उसका एबॉर्शन हो गया है, ठीक है, एबॉर्शन होने के बाद एक वुमेन को केयर करने नहीं आता, कैसे कैसे बैठ भी जाएगी, तो जस्ट इमेजिन एबॉर्शन हुआ है, मीन्स सर्वाइकल और जेनाइटल एरिया इज़ वेरी डेलिकेटेड ऑन दैट पीरियड, तो उनको कैसे बैठना कैसे रहना है वो थोड़ा सा यू नीड टू गिव दी एडवाइस, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्लानिंग, अब नाउ इम्प्लीमेंटेशन, वॉट यू विल इम्प्लीमेंट, वॉट विल बी योर इंटरवेंशन, लेट्स सी वन बाई वन। फर्स्ट ऑब्जर्व द वजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग, आपको वजाइनल ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग देखना है कि कितना ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है और क्रैम्पिंग्स कहाँ कहाँ पर, किस तरीके क्रैम्पिंग्स हो रहे हैं, विल बी योर फर्स्ट इंटरवेंशन, ठीक है। सेव एक्सपेल्ड टिश्यूज एंड क्लॉट फॉर एग्जामिनेशन, जितने भी टिश्यू सेल्स आउट हुए हैं, क्लॉट्स आउट हुआ है, उसको आप सेव करके एक एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजना है। मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 5 मिनट्स to 4 आवर्स, आपको वाइटल साइंस ऑन पीरियोडिकली आपको वाइटल साइन चेक करना है, डिपेंडिंग टू 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन दी मैटरनल मदर के स्टेटस को देखते हुए आपको चेक करते रहना है, 4 घंटे तक एवरी 5 मिनट्स चेक करना है। मेंटेन वुमेन ऑन बेड रेस्ट, वुमेन को एडवाइस करना है कि टेक बेड रेस्ट ओनली, ओके। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ शॉक, क्योंकि देर इज़ ए हैवी ब्लीडिंग, अगर हैवी ब्लीडिंग हुआ है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है, तो विल एज ए नर्स दिस इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक टू और साइन ऑफ शॉक हमको ऑब्जर्व करना है एंड इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट मेजर्स, और अगर हो लग रहा है तो अकॉर्डिंगली वी विल ट्रीट दी प्रॉब्लम। प्रिपेयर फॉर DNC इफ अप्रोप्रिएट, अगर लगता है कि दिस इज़ द टाइप ऑफ दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ एबॉर्शन, देन विल प्रिपेयर फॉर द DNC, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। प्रोवाइड सपोर्ट बट अवॉइड ऑफरिंग फॉल्स एश्योरेंस, डेफिनेटली दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। प्रोवाइड सपोर्ट दो आप उनको, बट अवॉइड ऑफरिंग फॉल्स एश्योरेंस, गलत एश्योरेंस उसको मत दो कि नहीं तुम्हारा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा, तुम मत रो, गलत एश्योरेंस हमको कभी भी नहीं देना है, किसी भी नर्स को, किसी भी वुमेन को नहीं देना है, इवन इन टेक इट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कभी भी किसी को आपको लग रहा है कि ये गलत है, मतलब ये रियलिटी नहीं है, तो कोशिश करो कि रियलिटी उसको सामने दिखाओ, आप गलत फहमी में रख के उसको जीवन मत दो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी फॉल्स एश्योरेंस, तो फॉल्स एश्योरेंस एज ए नर्स हमको कभी नहीं देना है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन, नाउ यू विल इवैल्यूएट दी वेदर दी
यू आर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वर्कड और नॉट, इंश्योर दैट द वुमेन इज फ्री फ्रॉम एनीमिया और एनी इन्फेक्शन, इज फ्री फ्रॉम वेजाइनल ब्लीडिंग, वो सब ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप इंश्योर करोगे. रिटर्न टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस फॉलोइंग द अबॉर्शन, ये आप चेक करोगे कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस पे आ पाई है कि नहीं आ पाई है. वर्बलाइज फीलिंग रिगार्डिंग द इवेंट एंड आउटकम्स एज ऑर्डर ऑर्डर सॉरी वर्बलाइज फीलिंग्स रिगार्डिंग द इवेंट एंड आउटकम एज डज हर सिग्निफिकेंट अदर स्पाउस. सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. मदर को आपको ये मतलब समझाना है पहले से कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू गो एंड वर्बलाइज टू योर स्पाउस, अपने हस्बैंड के साथ बात करो ताकि आपका दुख दर्द कम होगा. तो ये हुआ है कि नहीं हुआ यू जस्ट चेक आउट. अंडरस्टैंड सेल्फ केयर मेजर्स, आप ये देखो कि वो सेल्फ केयर मेजर्स को समझ पाई कि नहीं पाई है और कर रही है कि नहीं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन कि आप कैसे एक मदर को इवैल्यूएट करोगे. नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन. एज ए नर्स सॉरी As a nurse, what you will educate to a woman? Midwives need to support the mother and her family at the time when they are grieving for their lost baby. ये यहाँ पर midwives का बहुत बड़ा role होता है कि उन्हें सपोर्ट्स देने हैं, उनको सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है मदर को, उसकी फैमिली को. तो ऐसे समय में हमको फैमिली को सपोर्ट देना है उनके लॉस के बारे में, उनके बेबी लॉस. यू जस्ट इमेजिन किसी का बेबी लॉस हुआ है तो उनको कितनी हालत उनकी ख़राब होगी. तो यू नीड टू गिव द सपोर्ट टू द मदर एंड हर फैमिली. ओके नेक्स्ट इज गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट. डेफिनेटली साइकोलॉजिकली मदर बहुत सारा चीज़ इमेजिन कर लेती कि अब मैं भी नहीं रहूँगी, मुझे भी मरना. तो दिस अगर वो अटैचमेंट हो जाता है तो दे फील लाइक दिस की, तो उनको साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है. ओके फॉलो अप विजिट मस्ट बी मेड इन 2 to 4 weeks आफ्टर अबॉर्शन. 2 से 4 सप्ताह के बाद फॉलो अप विजिट्स के लिए जरूर मदर को इंस्ट्रक्ट करना है. काउंसलिंग और कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑफ इम्पॉर्टेंट टू दिस वुमेन हु आर हैव बीन फेस विद द रियलिटी ऑफ अनवांटेड. अब सी अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कराया है कोई मदर, तो उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई अबॉर्शन कराया है कोई मदर तो उनको इंस्ट्रक्ट करना है कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, काउंसलिंग करना है कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करो, प्रॉपर यूज़ करो. ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी हेल्थ एजुकेशन. नेक्स्ट इज पॉसिबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट. क्या क्या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है एक मदर को जब वो अपना बेबी लॉस करती है, तो उसको क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके मेंटली क्या उसको इफेक्ट कर सकता है. ठीक है सी विल सी वन बाई वन. पॉसिबल फील्स आफ्टर हैविंग एन एबॉर्शन. एक एबॉर्शन होने के बाद एक वुमेन क्या क्या फील कर सकती. फर्स्ट गिल्ट, डेफिनेटली उसको बहुत गिल्ट होगा कि मैं अपने बेबी लॉस कर चुकी हूँ. न्यू स्ट्रेंथ इन हैविंग मेड एंड कैरीड आउट एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. नया स्ट्रेंथ और नई डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब वो अपने कुछ इस गिल्ट के कारण वो कुछ नया डिसीजन भी ले सकती है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हर लाइफ. नेक्स्ट इज डिप्रेशन. डिप्रेशन डेफिनेटली होगा, मदर फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, सेंस ऑफ लॉस, उसको सब खो दिया मैंने ऐसा वाली फीलिंग रहेगी. नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द सेक्स, कई बार उसको लगेगा कि वाई फीमेल्स इज हैविंग प्रेगनेंसी ओनली, मैं क्यों लड़की हूँ, इस टाइप के दे हैव द सेक्स फीलिंग. एंड देन दिस इज द सेक्सुअल पार्टनर्स फीलिंग. समटाइम्स व्हाट शी विल हैव इन द फीलिंग कि बिकॉज ऑफ सेक्स ओनली आई गेट द बेबी, देन वो अब नफरत करने लगी कि आई डोंट वॉन्ट सेक्स नाउ. तो शी विल हैव द प्रॉब्लम विद दी, शी विल एंड हर रिलेशनशिप विद द स्पाउस. तो इस टाइप के भी सिचुएशंस आते हैं. एंगर बिटरनेस रहेगा हमेशा, गुस्सा रहेगी और कड़वाहट रहेगा हमेशा. तो दिस ऑल आर कम्स इन दी इन मदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दी एबॉर्शन. टुडे वी आर कम्प्लीटिंग द एबॉर्शन. आई थिंक सबको क्लियर होगा एबॉर्शन के टाइप्स, एबॉर्शन क्या होता है और उसके नर्सिंग असेसमेंट, सब चीज़ आप लोग को अभी क्लियर होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. और नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को सेमिनार का इंस्ट्रक्शन देती हूँ.